हाय दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल के एक और नए एपिसोड में। एंड आज हम लोग कुछ तड़कता भड़कता एंड स्पाइसी करने वाले हैं। यस गाइस, सो अगर मैं आपके नए लैब की तरफ थोड़ा सा ध्यान दूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैब फ्री है। अंदर में मैंने जायंट्स को मैक्स किए अभी थोड़ी देर पहले, एकदम ताज़ा तरीन गर्मा गर्म मेरे जायंट्स जो है वो लेवल 9 के हो चुके। आग भी निकल रहा है, अभी तक आग निकल रहा है जायंट्स से, तो बहुत ही गर्म है मेरे जायंट्स। लेवल 9 के जायंट्स, मैक्स जायंट्स विद येलो आर्मर जो लगता है भाई, और जो डैमेज करते हैं खतरनाक। बट अब बहुत काम बढ़ गया है गाइज, अभी मेरे को विजर्ड्स को अपग्रेड करना है। यस, 11 फ्रिकिंग मिलियन एलिक्सिर मेरे को चाहिए फॉर अपग्रेडिंग माय विजर्ड्स। बट 10 मिलियन मेरे पास ऑलरेडी है। यस, 10 मिलियन मेरे पास ऑलरेडी है। एंड गाइस, एक चीज और इंटरेस्टिंग होने वाली है यहाँ पे, मैजिक आइटम्स। ओके, अगर मैं मैजिक आइटम्स के बारे में बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास एक रून है एलिक्सिर, एक बुक है फाइटिंग। तो मैं क्या करने वाला हूँ इस एपिसोड में गाइस, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ये करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं विजर्ड्स को अपग्रेड में डालूंगा एंड फटाफट बुक ऑफ फाइटिंग की मदद से एक चुटकी में, जैसे सिंगल सेकंड में मैं उसे मैक्स कर दूंगा। और उसके बाद रून यूज करके क्या डालने वाला हूँ लैब में, गेस करो क्या डालने वाला हूँ। अभी नहीं बताऊंगा, नो, वीडियो देखते रहो गाइस, लास्ट में आपको पता चलेगा कि विजर्ड्स को मैक्स करने के बाद मैं कौन सा ट्रूप डालने वाला हूँ लैब में। अगर ठीक गेस कर सके तो एक शाउट आउट मेरी तरफ से मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फटाफट गेस करो इन द कमेंट्स। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं, अटैक्स करते हैं फटाफट, 11 मिलियन एलिक्सिर को लूट करते हैं एंड उसके बाद अपने विजर्ड्स को मैक्स करते हैं। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग पसंद कुछ भी आए तो फटाफट लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो मर्जी कर देना, क्योंकि आपके भाई का चैनल है गाइस। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। तो चलिए मैं अटैक में जाता हूं और देखते हैं कुछ अच्छा एलिक्सिर वगैरह मिल जाए। तो अभी मैं लालो यूज कर रहा हूं क्योंकि बलून्स जो है वो थोड़े सस्ते मिल रहे हैं, काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं, थोड़े नहीं, तो मज़ा भी आ रहा है यूज़ करने में। और लाल लाल टमाटर जैसे बलून्स, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप लोगों ने बहुत कमेंट भी किए थे उसके बारे में, लाल लाल टमाटर जैसे बलून्स बहुत पसंद आए थे आपको। तो चलिए फटाफट इन टमाटरों को यूज़ करते हैं एंड देखते हैं कि कुछ अच्छा खासा अगर मेरे को लूट मिल जाए तो फटाफट हमारा जो ये एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाएगा एंड हमारी चीज़ें जो हैं वो भी अपग्रेड हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कब तक मेरे को एक ठीक ठाक डिसेंट सा बेस मिलता है। आइए, ज़्यादा मेरे को इंतज़ार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना लीग अभी मैं शायद चैम्पियन 1-3 में हूँ, तो मतलब ठीक है, पाँच सात मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, मतलब 2-3 मिनट लगता है एक बेस ढूंढने में, अच्छा खासा लूट वगैरह मिल जाए तो मज़ा आ जाए। वैसे मैं ढूंढ रहा हूँ कम से कम 3.5 से 4 लाख एलिक्सिर, क्योंकि अभी जो बलून्स जो है इतना सस्ता है कि अगर 4 लाख एलिक्सिर में मैं लूट कर पाऊँ तो वो भी डिसेंट है, उतना बुरा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कम से कम 3.5-4 लाख के आसपास एलिक्सिर मिल जाए एक बार तो मजा आ जाए। अभी तक तो जो मिल रहा है वो काफी घटिया बकवास मिल रहा है। देखते हैं, मैं वीडियो को स्किप नहीं करना चाहता, इसलिए मैं देख रहा हूं कि अगर मिल जाए तो बढ़िया, वरना अगर ज्यादा सर्च करना पड़े तो फिर स्किप करके थोड़ा सा जल्दी कर देंगे, फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे वीडियो को। बट फटाफट मिल जाने से बढ़िया होता है क्योंकि मजा भी ज्यादा आता है। तो भाई मिल जा प्लीज, ताकि मेरे को वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना ना पड़े। जल्दी जल्दी मैं और 4-5 सर्च करूंगा, अगर 4-5 सर्च में आ जाता है तो ठीक है, वरना मेरे को वीडियो को थोड़ा स्किप करना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें देखने को ना मिले। तो अभी तक मेरे को एलिक्सिर नहीं मिला, कपल ऑफ मोर सर्चेस देखते हैं यहाँ पे, अगर मिल जाए तो बढ़िया होता है। यहाँ पे इसमें भी कुछ खास नहीं है, और 2 सर्च मैं लास्ट करूँगा और उसके बाद मेरे को वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देना पड़ेगा क्योंकि ऐसे चीज़ें तो कोई भी देखने में इंटरेस्ट किसी का भी नहीं लगेगा। तो चलिए फटाफट 1-2 सर्च और, ये एक और ये वाला फाइनल सर्च होगा, मिल जाओ भगवान प्लीज़। तो देखते हैं मिलता या नहीं मिलता। ठीक है गाइज, तो 360,000 एलिक्सिर मैंने बोला ही था, 3.5-4 लाख के आसपास, तो इस बेस में मैं अटैक करूंगा एंड बहुत ही इजी बेस है, तो आराम से इस बेस को हम लोग टेक डाउन कर लेंगे। मैं कुछ ज़्यादा नहीं करूंगा, ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाऊंगा, अपने सारे बलून्स को यहाँ पे स्पैम कर दूंगा। टमाटर बलून्स है मेरे पास, तो टमाटर बलून्स तो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है, यहाँ पे मैं डाल दूंगा अपने सीसी के बलून्स एंड अपना ग्रैंड वार्डन। मेरे को हीरोज यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ग्रैंड वार्डन तो यूज़ कर लिया, बाकी कुछ मेरे को यूज़ करने की जरूरत शायद से ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है सारे के सारे बलून्स को हेस्ट, यहाँ पे मैं कर दूंगा फ्रीज, डबल फ्रीज कर देते हैं यहाँ पर ताकि पूरा जो कोर है वो फ्रीज हो जाए। बलून साइड में जा रहे हैं जो कि अच्छी बात नहीं है, बट फिर भी ठीक है। यहाँ पे वार्डन की एबिलिटी टैप करते हैं ताकि बलून्स को जल्दी जल्दी मौका मिले सारे चीज़ों को टेक डाउन करने में। यहाँ पे एक लास्ट हेस्ट स्पेल और मेरे ख्याल से वी आर ऑल सेट टू 3-स्टार दिस फ्रिकिंग बेस। तो चलिए यहाँ पे क्वीन को भी पॉइजन कर देता हूँ ताकि मेरे ग्रैंड वार्डन को ये डिस्टर्ब ना कर पाए ज़्यादा, थोड़ा कर रहा है यार, ये अच्छी बात नहीं है। चलो, तो सब कुछ टेक डाउन हो चुका है और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे मैं क्वीन को डिप्लॉय करूंगा ताकि जो क्लीनअप प्रोसेस है वो जितना जल्दी हो सके उतना बढ़िया। यस, तो यहाँ पे फटाफट मैंने क्वीन की एबिलिटी सारी टैप कर दी है ताकि फटाफट ये बेस क्लीन हो जाए, क्योंकि ज़्यादा टाइम बिताना कोई अकलमंदी वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो फटाफट ये बेस भी, अरे बलून्स क्या किया वॉल्स को भाई, वॉल तोड़ने की क्या जरूरत थी। तो चलो कोई बात नहीं, बलून्स का जो स्प्लैश डैमेज है वो
बहुत ही खतरनाक होता है, इसीलिए वॉल्स वगैरह भी टूट जाते हैं अगर आसपास रहे तो। तो यहाँ पे अच्छा मिला बोनस भी 2 लाख, तो मिला जुला के 5,60,000 तो बहुत ही होती है। तो चलिए बहुत बढ़िया रहा फर्स्ट अटैक, एंड सेकंड अटैक में जाऊंगा मैं फटाफट, एंड लून एंड रेंज में रिक्वेस्ट कर देता हूँ जल्दी मिल जाए तो बढ़िया, वरना विदाउट सी सी भी हम लोग चले जाएंगे, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी हमारे लिए। देखता हूँ कब तक मिल जाए, अगर जल्दी मिल जाए तो बढ़िया, मैं कुछ 30 सेकेंड्स वेट करूँगा। ओके रेंज मिल चुका है, ये बहुत बढ़िया बात हो गई। और अगर लून्स मिल जाए 15-20 सेकेंड्स में वेट करूंगा, और अगर उसके दौरान मेरे को मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो विदाउट चलेंगे। ठीक है मिल गया भाई, थैंक्स यार, थैंक्स बहुत बहुत शुक्रिया जो भी जिसने भी डोनेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। तो चलिए फटाफट फिर से एक रेड में चलते हैं और देखते हैं इस वाली रेड में हम लोग कितना ज़्यादा एलिक्सिर कलेक्ट कर पाते हैं। मेरे ख्याल से जितना ज़्यादा हो सके उतना बढ़िया, बट फिर भी देखते हैं कितना कलेक्ट कर पाएंगे हम लोग। मेरे ख्याल से 3 अटैक लगेगा, एक अटैक तो किया मैंने और 2 अटैक्स मिनिमम मेरे को करने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एलिक्सिर मैं ढूंढ रहा हूँ उतना मेरे को मिल पाएगा। और 5-स्टार बोनस अगर एक मिलता तो बढ़िया होता, बट मेरे ख्याल से मैंने 5-स्टार बोनस का आज का जो 5-स्टार बोनस है वो मैंने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है, सो वहाँ पे थोड़ा हमें मायूस होना पड़ेगा, बट नॉट बैड यार, जो भी हुआ है काफ़ी ऑसम हुआ है। सो गाइज देखते हैं अब कब जल्दी बेस मिल जाता तो बढ़िया हो जाता, क्योंकि लूट वगैरह अगर जल्दी जल्दी ना मिला ना फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, और उसके ऊपर अगर बूस्ट मार के खेल रहे होते हैं तो फिर बहुत जल्दी जल्दी आपको लूट चाहिए होता है। सो बट सो फार सो गुड, चलते हैं और देखते हैं वो। तो यहाँ पे गाइज एक अच्छा खासा लूट मिला, बट ये बेस थोड़ा टफ है, बट नो प्रॉब्लम, वी विल गो इन दिस बेस। 54 लेवल की क्वीन है, ईगल आर्टिलरी भी मैक्सड आउट है, बट आई गेस वी कैन मैनेज। चलो अटैक में चलते हैं, देखते हैं क्या कर पाते हैं हम लोग। मैं वही स्ट्रेटजी मेरी बिल्कुल चेंज नहीं होगी, मैं स्पैम ही करूंगा। ऐसा नहीं है कि बेस मैक्स है मतलब मैं सर्जिकल वगैरह कुछ भी सोचूंगा, मैं पूरा का पूरा बेस में अपने बलून्स को, लाल लाल टमाटर मेरे बलून्स को मैं स्पैम कर दूंगा, एंड उसी के साथ यहाँ पे मैं ड्रॉप करूंगा दोनों के दोनों मेरे लावा हाउंड्स, मेरी मेरा ग्रैंड वार्डन, मेरे मिनियंस वगैरह सब कुछ ड्रॉप करता हूँ फटाफट से। यहाँ पे किंग, यहाँ पे क्वीन, एंड नाउ वी विल हेस्ट आवर बलून्स फटाफट। यहाँ पे एक फ्रीज, ओके ओके, गोइंग गुड गाइज, हम लोग अच्छा चल रहे हैं अभी तक तो, फिलहाल अच्छा चल रहे हैं, बट आई डोंट नो कि कब तक हम लोग अच्छा चल पाएंगे। यहाँ पे मैंने ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी टैप कर दी है जिसकी मदद मेरे को अच्छी खासी मिलने वाली है यहाँ पे, एंड उसी के साथ यहाँ के जो बलून्स हैं उन्हें मैं हेस्ट कर दूंगा। बहुत ज़्यादा डैमेज सोक कर रहे हैं भाई बलून्स मेरे, बट ओ हो, यहाँ पे इन्फर्नो रह गया गाइज। ओह एक चीज़ मैंने नज़रअंदाज कर दी थी इस बेस में जो कि मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, जो बहुत बुरी हुई मेरे साथ, वो था कि इसका जो टाउन हॉल है वो अपग्रेड में चढ़ रहा था, मतलब इसका टाउन हॉल डैमेज नहीं करेगा। इसके लिए मेरे को यहाँ पे जो सेकंड फ्रीज मैंने यूज़ करा उसको थोड़ा होल्ड करना चाहिए था, मैंने थोड़ा रश कर दिया, बट नो वरीज गाइस, जो हमको एलिक्सिर मिला है वो नॉट बैड। और ये जो लास्ट जो कलेक्टर है, सॉरी स्टोरेज है, मेरे ख्याल से वो भी मेरे को मिल जाएगा, आई गेस मेरे को मिल जाएगा, आई एम नॉट श्योर दो, बट ऐसा लग रहा है मेरे को, ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे को अंदर से कि वी कैन ग्रैब दैट एलिक्सिर स्टोरेज। और अगर वो एलिक्सिर स्टोरेज हमें मिल गया तो जो लूट है ओवरऑल वो अच्छा खासा डिसेंट कहलाएगा, नॉट बैड, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरी क्वीन थोड़ी स्ट्रगल कर रही है, बट ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना क्योंकि 2 शॉट्स और ये आर्चर टावर डाउन हो चुका है, और कपल ऑफ मोर शॉट्स ताकि ये कैनन भी डाउन हो जाए। 1 शॉट, ओहो नाइस, तो थोड़ा गलती कर दी मैंने, वरना ये बेस जो है वो 3 स्टार हो जाता। मैंने जो फ्रीज डाला था ना, सेकंड वाला फ्रीज, उसमें थोड़ी गलती कर दी थी मैंने, बट कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, जो हमने अचीव किया है यहाँ पे लूट वो बहुत ही डिसेंट है, देख सकते हैं 3,97,000 मतलब ऑलमोस्ट 4 लाख, और 2 लाख मिला के टोटल 6 लाख के आसपास हो जाता है, तो नॉट बैड एट ऑल। तो यहाँ पे 2 अटैक हमारे हो चुके हैं, एंड मेरे ख्याल से हमें 3-स्टार बोनस भी मिल चुका है गाइस, तो बहुत बढ़िया चीज़ रही ये, और मैं कलेक्ट कर लूँगा अपना बोनस जो है वो फटाफट यहाँ पे, एंड उसी के साथ गाइस उसी के साथ यहाँ पे हम लोग अपने अपग्रेड्स जो हैं वो बिल्कुल बटरी स्मूथ मक्खन तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फटाफट कंप्लीट करते हैं, उससे पहले मैं अपने ट्रूप्स को जो है ट्रेन में डाल देता हूँ, एंड कुछ गड़बड़ दिख रहा है मेरे को, कुछ गड़बड़ है दया, क्या हो रहा है? ओहो एक पॉइजन एक्स्ट्रा यहाँ पे बन गया है, बट नाउ इट्स फाइन, यस इट्स फाइन गाइज, इट्स फाइन। सो यहाँ पे मैंने अपनी सेकंड आर्मी ट्रेन करने के लिए डाल दी है, और चलिए विजर्ड्स को अपग्रेड में डाल देते हैं। हो, विजर्ड्स मैक्स मैक्स बर्निंग विजर्ड्स, ओहो चलो सही है। 14 डेज मैंने यहाँ पे डाल दिए अपने विजर्ड्स को, और फटाफट भाई चुटकियों में मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, फिनिश कर लिया अपने विजर्ड्स अपग्रेड में। अब जो चीज़ मैंने कहा था कि एक रून पड़ा हुआ है मेरे पास गाइस, यहाँ से आप देख सकते हैं मेरा जो एलिक्सिर स्टोरेज है वो ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, बट यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास एक रून पड़ा है जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, तो यहाँ पे रून को यूज़ कर लिया मैंने, और मेरा जो एलिक्सिर स्टोरेज है ये वो देख सकते हैं आप गाइस,
फुल हो चुका है और मेरा दो सेट ऑफ आर्मी रेडी है, एक सेट ऑफ आर्मी मेरा ऑलमोस्ट रेडी है और दूसरा क्यू में डाल रखा है मैंने। मतलब दो अटैक्स मैं आराम से करूंगा, मक्खन एलिक्सिर में कलेक्ट कर लूंगा। अब मेरे को अपग्रेड पे डालना है अपना, क्या बताओ, जो मैंने बताया था गेस करने के लिए, आपने गेस कर दिया होगा ऑलरेडी, तो अब पता नहीं ठीक गेस किया या रॉन्ग गेस किया, जो भी गेस किया है मैं डालने वाला हूँ यस पेका को। पेका अब मैक्स हो जाएगा, 14 डेज, दो हफ्ते लगेंगे पेका को मैक्स होने में, क्योंकि मैं पेका डिसेंटली यूज़ करता हूँ इन वॉर, मतलब क्वीन वॉक बोविच करता हूँ तो एक पेका भी यूज़ करता हूँ उसके साथ फॉर अ टैंक, फॉर डिस्ट्रक्शन, सब कुछ पेका ऑलराउंडर है। तो यहाँ पे पेका को डाल दिया हमने फॉर 14 डेज, 3, 2, 1, भाई 14 दिन बहुत होते हैं, बट मैक्स लेवल का पेका यूज़ करने में जो मज़ा आएगा गाइज, उसमें तो एक अलग ही मज़ा होगा। बट अब देख सकते हैं मेरे प्रोफाइल में धीरे धीरे ट्रूप्स मैक्स हो रहे हैं गाइज, थैंक्स कर्टसी यस कर्टसी, तो क्लैन गेम्स में इतने सारे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं जो कि मज़ा आ रहा है, चुम्मेश्वरी रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं अभी तक टाउन हॉल 12 में आने के बाद जो जो ट्रूप्स मेरे मैक्स हुए हैं वो है नंबर 1 बोलर, नंबर 2 विचेस, नंबर 3 हॉग्स, उसके बाद मैंने माइनर्स को किए, यहाँ पे मैंने बेबी ड्रैगन को भी कर लिया है, उसी के साथ मैंने बलून्स को कर लिया, विजर्ड्स को कर लिया एंड बारबेरियन को कर लिया। यस बारबेरियन टाउन हॉल 11 में ही होता है बट मैं 12 में आने के बाद अपडेट आया था तो वो भी मैंने यहीं पे किया है। सो गाइज इतने सारी चीज़ें हमने अपग्रेड कर ली हैं ऑलरेडी और वी आर गोइंग ग्रेट गाइज। जो हम लोग जिस रफ्तार से जा रहे हैं ना, इस रफ्तार से अगर हम लोग और 2, 3 या फिर 4 महीने जाते रहे तो हम लोग आराम से एक मैक्स्ड आउट प्लेयर बन जाएंगे रिगार्डिंग हमारे डिफेंस एंड वॉल्स में टाइम लगेगा। वॉल्स पता मैं अपग्रेड क्यों नहीं कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि आपको देखने को मिला होगा वॉल्स में हर 2, 3, 4, 5 महीने में जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इतना ज़्यादा एफर्ट मैं डालूंगा वॉल्स को अपग्रेड करने में और अगर डिस्काउंट हो गया, प्राइस लो हो गया तो फिर दुख होता है ना। सो गाइज बस आज की वाली वीडियो में बेसिकली यही थी, होप श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी, किसी भी एंगल से पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना अगर नए हो तो, और अगर पुराने हो तो भाई जो मन कर लेना, ठीक है। मैं मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें। एंड गाइज आज शाम को एक लाइव स्ट्रीम करने वाला हूं मैं जो कि होगा फिक्स दैट रश के ऊपर, तो शाम को करूंगा, जरूर आना, आप लोग सब भी मतलब इन्वाइटेड हो, जरूर आ जाना। बाय बाय गाइज, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें एंड एज यूजुअल गाइज जय हिंद।